नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचप्रगनिया भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहानी देखेंगे, काल। ये लोक कहानी विभिन्न लेखकों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में आपको विभिन्न पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए ये लोक कहानी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीवियस ईयर में भी इससे प्रश्न बने थे, आने वाले परीक्षाओं में भी इससे जरूर ही प्रश्न रहेंगे। तो पूरा ही चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, ताकि एक ही बार में ये चैप्टर आपके दिमाग में उतर जाए और आप इसे भूल ना सके। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से वर्णन करेंगे कि ये चैप्टर आप एक ही बार में पढ़ने के बाद आपको दूसरा बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस लोक कहानी से हमें एक प्रकार का सीख भी मिलता है कि आप अपने काल अर्थात की मृत्यु से जितना भी भागने का प्रयास करें वो आप तक पीछा करते हुए पहुँच ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस लोक कहानी को शुरू करते हैं, जो कि है काल। बेजान दिनकर पूर्णा कथा है कि एकटा साधु एक जायगा महान कुटिया बनाए के रहत रहे। उ रोज दिन बिहान साइन समय बहराई के भगवान के जाप करत रहे। भगवान को जाप करल बादे उके एकटा विशेष बोल मिलत रहे। रोज दिन गात महान विशेष बोल पावल महान भगवान को प्रति आस्था बढ़े लागलोग। तो ये जो कथा है, ये जो बात है, हम लोग बहुत पुराना बात कर रहे हैं, बहुत ये जो कहानी है बहुत पुराना समय का कहानी है। जिस समय एक जगह में एक साधु रहा करता था, वो अपना एक छोटा सा कुटिया में रहता था। वो रोज़ दिन सुबह और शाम भगवान का जाप करता था, भगवान का पूजा करता था, जिसके कारण भगवान के जाप करने के कारण उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का बल प्राप्त होता था। उस बल को प्राप्त करने के कारण उसे भगवान के प्रति बहुत अधिक आस्था बढ़ने लगा। एक दिन को दिने साधु नहान स्नान करेकते हैं बोस रोहे। ठीक वह समय महान एकटा पोरा खड़ा ओकर गात हवा महान उड़ आई के गिरे गेलोक। गात महान गिरोल बादे साधु के रोचिक खेरगेती लगलोक। धाई लेक एकटा हाथ महान से पोरा के धोरलोक आर भूई महान राइक देलोक। भूई राखोल बादे से पोराटा सांप को रूप ले लेलोक। ठीक है, तो एक दिन उसी प्रकार साधु नहाने के लिए नदी के किनारे बैठा हुआ था। जिस समय वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, कहीं से एक पोरा खड़ा अर्थात की पर आकर के उसके पीठ में गिर जाता है। उस पर के गिरने के कारण उसे थोड़ा सा खेरगेती, थोड़ा सा गुदगुदाहट महसूस होता है, जिसके कारण वह एक हाथ से उस पोराखड़ा को ज़मीन पे रख देता है। जैसे वह ज़मीन पे रख देता है, उस जो पर है वो एक सांप का रूप ले लेता है। सांप को रूप ले ले लोग आर चोले लाग लोग। सांप का रूप ले लेने के बाद वो क्या करता है, आगे तरफ चलने लगता है। साधु से सांप के पीछा कर लोग चलते चलते उस सांपटा थोड़े दूर गेल बादे एक सुंदर बेटी छुआ कर रूप ले ले लोग। उस सांप का पीछा करते हुए साधु आगे चल रहा था। थोड़ा दूर चलने के बाद वह सांप अपना फिर से रूप परिवर्तित करके एक सुंदर बेटी छुआ का रूप ले लेती है। सांप कोर बेटी छुआ रूपटा लेल देई के साधु पेछू पेछू जाए लगलोक। बेटी छुआटा जे डोहरे चोइल के जात रहे, से डोहरे दुईटा सोंगी चोइल के आत रोहें। तो जब वो सांप अपना रूप परिवर्तित करके बेटी छुआ के रूप में आ जाती है, तो फिर भी साधु उसके पीछे पीछे चलते रहता है। और थोड़ा दूर जाने के बाद वो देखता है कि जिस तरफ वो बेटी छुआ आगे बढ़ रही थी, उधर दो सोंगी चल के आ रहा था। ठीक है, बेटी छुआटा का रूप देख के दुई मोहित हो गए लोग। उस बेटी छुआ का रूप देख करके दोनों सोंगी क्या करते हैं, मोहित हो जाते हैं। एकटा कोहेला मोए एके रखमू, उसमें से एक साथी बोलता है कि मैं इसे रखूँगा। दूसरा सोंगी कोहेला मोए एके रखमू, दूसरा सोंगी जो होता है वो कहता है मैं इसे रखूँगा। दुई सोंगी कोर ई रकम केर तोनकोच हो लग लोग। दोनों साथी एक दूसरे को इस प्रकार झगड़ते हुए नजर आए। दोनों सोंगी कह रहे थे कि मैं उसको रखूँगा, और दूसरा सोंगी कह रहा था कि मैं उसको रखूँगा। इसी में दोनों में विवाद हो गया और दोनों आपस में झगड़ने लगे। दुई सोंगी एक दूसरे को दुश्मन बन गए लोग, इसीलिए दोनों ही साथी एक दूसरे का दुश्मन बन गया। दुई जोन तलवार धोर लोए और लौड़े लाग लोए। दोनों जन आपस में तलवार निकल के लड़ने लगे। दुई जोन के तलवार दुई लोग और घेंचा महान एके सोंगे लाइक गेलोक और दुई सोंगी के मूड़ कटाई गेलोक।
इसी प्रकार लड़ते लड़ने के दौरान दोनों का जो तलवार था गला में सट गया एक ही साथ में, और एक ही साथ में दोनों ही का सर धड़ से अलग हो गया। ठीक है, लाश भूई महान गिर गेलोक, और इससे लाश जो है वो जमीन पे गिर गया। दुई जन के मोरल बादे बेटी चुहाटा एकटा बेजान बड़े सांप को रूप ले ले लोग। दोनों जन के मरने के बाद बेटी चुहा फिर से एक बहुत बड़ा सांप का रूप ले लेती है। सांप का रूप लेलटा साधु देख रहे, और ये सब जो वृतांत हो रहा था साधु छिप के देख रहा था। आगे देखते हैं, सेते हैं सांप के पीछा कर लोग, सांत सनाई के सांप साधु आगू बाटे जाय लग लोग, चलते चलते सांप एकटा नदी के धार पहुँची गए लोग। ये सांप साधु देख रहा था छिप छिप के, और जैसे ही सांप जैसे ही वो बेटी चुहा सांप का रूप ले लेती है उसके बाद उसके पीछे पीछे साधु फिर से उसका पीछा करता है। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वह एक नदी के सामने पहुंच जाता है। से नदी महान पानी इकुल उकुल भरल रहे, उस नदी में वर्षा का समय था शायद, इसीलिए पानी बहुत अधिक भरा हुआ था। नौका महान लोग इपार लेक उपार जात आत जात रहे, और इसीलिए लोग इस पार से उस पार जाने के लिए नौका का उपयोग कर रहे थे, और नौका से लोग इस पार से उस पार जा रहे थे। ठीक यह समय महान सांप नदी महान समय के लोग और पोहरी के नौका पास चोल गए लोग। इसी समय वह बड़ा सांप जो कि लड़की सांप के रूप में अपना रूप परिवर्तित कर चुकी थी, वह सांप जाकर के उस नाव के समीप पहुंच गया। नौका महान चापुर लोग गिला बड़े सांप देख कौन एकधार होए लग लोग। नौका में जितने भी लोग बैठे हुए थे वे उस सांप को देख करके डर गए और एक तरफ सभी होने लगे। बेसी लोग के एकधार होल महान नौकाटा एक धार बाटे हेठ हो गए लोग, और एक बाटे हेठ होल बादे नौका पानी महान डूब गए लोग। सभी एक ही तरफ जाने के कारण वो नौका एक तरफ हेंट हो गया, एक तरफ डाउन हो गया और एक तरफ ऊंचा हो गया, जिसके कारण वो पानी में डूब गया। नौका महान चपल सब लोग पानी महान डूब गए लोग। तो नौका में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी पानी में समा गए। ताकर बादे सांप नदी के धार आई के उठ गए लोग, उसके बाद सांप नदी के किनारे आकर के उठ गया। नदी लेक उठल बादे से सांप एकटा जटाधारी साधु बन गए लोग, और पोतली मार के बोस गए लोग। नदी के किनारे आने के बाद वह सांप एक साधु का जटाधारी साधु का रूप ले लेता है, और फिर वह पतली मार के बैठ जाता है। साधु को रूप धरोल बादे पीछा करैया साधुटा जटाधारी साधु के पास जाके पूछे लाग लोग, ए रे भाई तो के किस। तो जो साधु उसका पीछा कर रहा था तो जटाधारी साधु को देख करके उसके पास जाता है और पूछता है कि अरे भाई तो क्या है किस, अरे भाई तुम कौन हो। जटाधारी साधु साधु के को लोग, जटाधारी साधु उस साधु को कहता है, तो मोर पीछा कोरेक्टा छोड़ दे ही, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, इस प्रकार से वो कहता है। तो अपन घर चल जा, तुम अपन अपना घर चल जाओ। मंतुक साधु उकर पीछा नहीं छोड़ लोग, तो दूसरा रूप बदलोल साधु कह लोग, मोई काल है के एह रकम भावे मोई हियाक जीवकर मारत कर मृत्यु कर कारण बोइन के आपन काम करत हैं। तो वो साधु फिर दूसरा रूप धरता है, और दूसरा रूप धरने के बाद बार बार उस जो पीछा कर रहा था साधु उसके पूछने के कारण वो फिर बता देता है कि मैं काल हूँ और मैं इसी प्रकार लोगों का मृत्यु का कारण बनता हूँ। इस प्रकार से वो जटाधारी साधु जो कि अभी दूसरा रूप में था वो उस पीछा करने वाले साधु को बोलता है। हिंदे साधु अपन कुटिया महान आए गए लोग, कुटिया आओल बादे साधु कर हृदय काल कर डोर समाए गए लोग। इधर जो साधु उसका पीछा कर रहा था वो कुटिया में आ जाता है, और वह कुटिया में आ जा के आने के बाद उसके मन में एक प्रकार से काल का भय समा जाता है। वो रोज दिन गंगा नदी नहाए जात रहे, एक दिन कर दिने एकटा ज्योतिषी से साधु कर हाथ दे के कहलोक, आइज कर बादे जे दिन तो गंगा नहाए जावे से दिन तो मृत्यु होय। तो वह रोज दिन गंगा नदी में नहाने के लिए जाता था, परंतु एक दिन एक ज्योतिषी उस साधु का हाथ देख कर के कहता है कि आज के बाद जब भी तुम नदी में नहाने के लिए जाएगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा।
এইরকম কের কথা সুইনকে সাধুকর হৃদয় বেজায়ন ডর সময় গেলক জ্যোতিষী কের কহল দিন কর বাদে সাধুকর গঙ্গা স্নান বন্ধ হয়ে গেলক। তো ইস প্রকার জ্যোতিষী কা বাত শুন করকে সাধু ফির নদী গঙ্গা নহানে যানে ছোড় দিয়া, ক্যুকি উসকে ডর মন মে ডর ঘুস গিয়া কি ও জেসে হি গঙ্গা মে স্নান করনে যায়গা উসকা মৃত্যু হো যায়গা। সাধু এবার রোজ দিন ঘরে কুয়া কিংবা রাজাক মনাল কুয়া মহান যাইকে নহাতক মিনতুক হয়ে গোপনীয় কথাটা কেকর পাশে নি কৌতক। সাধু যে নগর মহান রহত রহে সে নগর কে রাজা ছুয়া পুতা কে বেজায়ন দিন লেখ মুখ নি দেখ রহে। তো সাধু ফির গঙ্গা নহানে জানা ছোড় দিয়া ওর ঘর মে যো কুয়া থা উসি মে নহাতা থা ইয়া ফির উস রাজ্য মে যো রাজা কে দ্বারা কুয়া বনা দিয়া গিয়া থা উসমে নহাতা থা, ক্যুকি উসকো জ্যোতিষী কে দ্বারা কহ দিয়া গিয়া থা কি আগর তুম গঙ্গা মে ফির সে নহানে যায়গা তো তুম মর যায়গা তুমারা মৃত্যু ওয়হীঁ পে লিখা হুয়া হ্যায়। ঠিক হ্যায়, উসি গাঁও মে যো রাজা রহতা থা ও বহুত দিন সে উসকে ঘর মে কিসি ভি প্রকার কা ছুয়া পুতা অর্থাৎ কি বচ্চে নহীঁ হুয়ে থে। ভগবান কৃপা মহান বুড়ান্তি কালে রাজা কের একটা বেটা হয়ে গেল। বুড়ান্তি কাল মে রাজা কা এক বেটা হো যাতা হ্যায়। রাজা আপন খজানা কে খোল দিলক আর যে যেটা মাঙ্গ রহে সেটা দান মহান দেখে রাজা রিচে হয়ে গেল। রাজা পুত্র কা जो पुत्र का खुशी पा करके वह अपना जो खजाना था उसे खोल दिया और जो जिसको जो भी मांग था वो उसे दे करके वो खुश होने लगा। जोखन छुआटा कुदे पुदे लागलोक से समय एकटा तांत्रिक राजा घर आए गए लोग। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, राजा का बेटा जब बड़ा हुआ और इधर उधर कूदने फूदने लगा तो उसी समय राज दरबार में एक तांत्रिक आ गया। राजा के द्वारा तांत्रिक और खूब सत्कार करोल गेलोक। यह बीच राजा छुआ कूदले फूदले घर आए गेलोक। राजा का तांत्रिक के द्वारा बहुत अधिक आदर सत्कार किया गया राजा के द्वारा तांत्रिक को। ठीक है, उसी समय वो बच्चा कुदले पुदले उस आसपास घूम रहा था, उसी छुआ को देख करके फिर तांत्रिक कहता है सही छुआ के तांत्रिक देखे पालोक। छुआ के चेहरा और कपड़ा देख के कपाड़ देख के तांत्रिक कहलोक ए राजा साहेब, उस बच्चे का जो मुंह देख करके और उसका कपाल अर्थात कि सर का जो नीचे का भाग होता है कपाल उसको देख करके वो तांत्रिक कहता है ए राजा साहेब, ए राजा साहेब ई छुआटा के जांदे गंगा चाड़े गंगा नदी महा नहाय ले जावा ता होले ई छुआटा बेजान दिन तक बाँच रोही। वह राजा से कहता है कि इस छुआ को अगर तुम गंगा नदी में नहाने के लिए ले जाओगे तो फिर ये बहुत दिन तक बचे रहेगा और सब रकम सुख भोग करी और सभी प्रकार के सुख इसको मिलेगा। इस प्रकार से वो तांत्रिक कहता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो तांत्रिक के रूप में वही काल आया रहता है जो काल साधु को कह रहता है कि मैं काल हूँ और मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। राजा तुरुत ओहे साधु टाके डाकलोक और कोहलोक ए साधु बाबा ई छुआ टाके गंगा स्नान करा एकटा राउर केर जिम्मा है के। और उसी समय राजा उसी साधु को जो रोज गंगा नहाने के लिए जाता था और उसको तांत्रिक के द्वारा मना किया गया था कि तुम गंगा नहाने मत जाओ नहीं तो वहाँ पर तुम्हारा जो मृत्यु है वहाँ मृत्यु हो जाएगा, उसी साधु को फिर राजा बुलाता है और कहता है कि इस बच्चे को अर्थात कि राजा के बेटे को गंगा में स्नान कराने का काम तुम्हारा ही है। साधु तुरुत राजा के पास अपन मृत्यु कारण टा कोई सुनाई दे लोग। फिर वो अपना मृत्यु के कारण को राजा को कह सुनाता है। साधु के मृत्यु होए कारण टा जान के राजा चुप हो गए लोग। बादे रानी के साधु के आग्रह कर लोग कि रऊर के गंगा नहाते हैं चोइल जाए इटा ते हैं रौर के मुंह मांगा धोन देल जाए और तोहरे पानी भीतरे समायक मौकावनी देल जाए। इस प्रकार साधु के द्वारा मृत्यु का कारण जब उसे बताया गया राजा को तो फिर राजा चुप हो गया। परंतु रानी फिर आकर के उसे उपहार स्वरूप बहुत सारा मूंग मांगा धन देने की बात कहा गया और कहा गया कि तुम मेरे बेटे को नहाने के लिए ले जाओ लेकिन तुम पानी में मत उतरना बल्कि इसको बस नहला के चले आना। रानी को निवेदन कर साधु मान ले लोग और राजा छुआ के गंगा स्नान कर एक दिन तिथि और समय पका कर लो। रानी का निवेदन साधु मान लेता है सुन लेता है और फिर गंगा स्नान कराने के लिए राजा के बेटा को गंगा स्नान कराने के लिए एक दिन पक्का किया जाता है। दिन तिथि और समय पक्का करोल दिने राजा छुआ के गंगा पहुँचल गंगा स्नान करेक पहल छुआ के पूजा पसा करेकते हैं बोसालोई। दिन धर्ज किया गया
किसी एक विशेष दिन में सब गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे पहुंचने के बाद उस बच्चे को नहलाया, सबसे पहले उसको पूजा पसा किया गया, पूजा करवाया गया, ठीक है। पूजा पसा करते हैं बोसलोए, सब कोई वहाँ पूजा पसा करने के लिए बैठ गए। पूजा पसा सिराल बादे छुआ गंगा नदी धारे नहाए लगलोग, नहायक करम महान राजा छुआ पानी के भीतर जाए लगलोग। पूजा पसा जैसे ही ख़त्म हुआ तो नदी के किनारे वो बच्चा को नहाने के लिए छोड़ दिया गया। वो नहाने के क्रम में वो बच्चा नदी के और भी अंदर चला गया। छुआ को और पानी भीतर गेल महान रानी साधु के को लोग चाड़े चूड़े कूदा और छुआ ताके बचाई लेवा। तो फिर जैसे ही बच्चा अंदर नदी के किनारे जा रहा था तो रानी तुरंत से उस साधु को बोलता है कि तुम तुरंत से जाओ और बच्चा को बचा के लाओ। रानी को और करुण कथा सुन के साधु को और डोर भाई गेलोक और गंगा नदी महान छुआ के बचाते हैं समय गेलोक। तो रानी का इस प्रकार करुण वेदना सुन करके, करुण कथा सुन करके, वह साधु का जो डर रहता है कि नदी में घुसने से ही उसका मृत्यु हो जाएगा, वह चला जाता है और फिर वह तुरंत से गंगा नदी में घुस जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। समय के छुआ के बचाते हैं जैसे ही दौड़लोग, तैसे छुआटा एकटा बड़े कुमोर के रूप धोर के साधु के दौड़लोग और कहलोक, मोय राजा छुआ नहीं काल है के आर तोर मृत्यु एह ठीने आहे, ऐसोन कोई कोहन साधु के मायर के मोराय देलोक। तो जैसे ही साधु उस बच्चे को बचाने के लिए अंदर जाता है नदी के किनारे, नदी के किनारे से वह अंदर नदी में घुसता है तो वह बच्चा तुरंत से कुम्हार बन जाता है, मगरमच्छ बन जाता है। और फिर साधु को कहता है कि मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं काल हूँ और तुम्हारा मृत्यु यहीं पर लिखा हुआ था, इसीलिए तुम्हारा मृत्यु यहीं पर होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। हमें इससे पता चलता है कि हम अपने मृत्यु से जितने भी बचने का प्रयास करें वो किसी ना किसी रूप में हमें अंत में मिलता ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव परीक्षाओं की आप झारखंड में तैयारी करते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पंच परगनिया लैंग्वेज से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ जैसे कि लोक कहानी, लोक कथा, सांस्कृतिक निबंध, फिर लेखक, सभी प्रकार के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद।